कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण लाने हेतु प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारी की है, जिसमें संचार बंदी के साथ प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का समावेश है। 1 मार्च से शहर में टीकाकरण और जंतुनाशक गोलियां घर घर जाकर देने की शुरुआत हो गई है। उपजिला रुग्णालय में 60 से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ। साथ ही जिन्हें मधुमेह, हृदय रोग और ऐसी अन्य बीमारियां हैं, ऐसे 45 साल से ज्यादा नागरिकों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में हिंगनघाट के उपजिला अस्पताल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू कर दिया है। पहला कोरोना वैक्सीन 63 वर्षीय शोभाबाई सोनटक्की को दिया गया। पहले दिन कोरोना के टीकाकरण में कुल 7 नागरिकों को टीका लगाया गया। टीकाकरण की विधि ऑनलाइन है और इसके लिए लाभार्थी को आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य है। हिंगनघाट उपजिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर किशोर चाचरकर, डॉक्टर डांगोरे, डाटा ऑपरेटर कमल शेंडे, डॉक्टर संजीवनी बेचलवार, डॉक्टर वाघमारी इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं और कोरोना टीकाकरण का काम कर रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर किशोर चाचरकर ने 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकतम नागरिकों से इस टीकाकरण का लाभ उठाने की अपील की है। इसके साथ ही 1 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए घर घर जाकर जंतुनाशक गोलियों को बांटा जा रहा है। आपल्याकडे आता उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट मध्ये जे कोरोनाचं वैक्सीनेशन चालू आहे, आता आपल्याकडे शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे 45 वर्षाच्या वरील जेही लाभार्थी आहे आणि ज्यांना कोमॉर्बिड कंडिशन जसं डायबिटीस आहे, हायपरटेन्शन आहे, किडनीचे आजार आहे किंवा कॅन्सर वगैरे असे जे दुर्धर आजार आहे असे आणि 60 वर्षाच्या वरील वयोवृद्ध जे आहे त्यांचं लसीकरण चालू झालेलं आहे। एक साधारणतः आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र घेऊन यायचं आहे आणि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होतं आणि रजिस्ट्रेशन झाल्यावर लसीकरण होतं। एका दिवसात किती असं टार्गेट त्यांनी दिलेलं नाही आहे, पण सध्या आता ते जे नवीन कोविन ॲप जे चालू झालेलं आहे, थोडंसं मॉडिफाईड ॲप जे झालं आहे, आधी जे होतं त्याच्यापेक्षा हे थोडंसं मॉडिफाय केलेलं जे ॲप आहे त्याचं वर्किंग बरोबर नाही आहे। आजच्या दिवसाला आपल्याला बरंच सिनियर सिटीजन लोकांना त्रास झाला, कारण त्यांची माहितीच त्याच्यामध्ये घेतली जात नव्हती। आम्ही जिल्हा लेवलला पण याच्याबद्दल चौकशी केली, परंतु ते सेंट्रलाइज प्रॉब्लेम असल्यामुळे, तिकडनंच असल्यामुळे त्यांच्याकडे सुद्धा तोच प्रॉब्लेम चालू आहे असं आम्हाला कळलं। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।